तो वेलकम टू आर टू एक्स, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो कल ओ एस सिक्स स्टेबल का अपडेट हो चुका है, फाइनली रोल्ड आउट इन पेजेस, जो आपको आज या कल या कुछ दिनों में आपको भी अपनी सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन वी हैड टू वेट, तो मैं आज आपको दो सेफ मेथड बताऊंगा और साथ में एक क्विक रिव्यू दूंगा इस ओ एस का, और साथ में ये भी बताऊँगा कि इसका कुछ फ़ोन में क्यों बूट लूप हुआ था। बूट लूप होने का रीज़न बहुत सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेजर अपग्रेड है पाई का, और जो हम सिस्टम चला रहे हैं वो है ओरियो का, और जो ओरियो के जो कुछ ऐप्स हमने जो इंस्टॉल कर रखे हैं उनका ऐप डेटा है वो पाई पे सपोर्टेड नहीं है। अब आप में से कुछ दोस्त ये भी बोलेंगे कि यार मैंने सेटिंग्स अपडेट किया, मेरे इसमें ऐप इंस्टॉल थे तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ। ब्रो, आपका होगा भी नहीं कुछ, क्योंकि जो आपने सेटिंग्स आप जो अपडेट करते हो वहाँ जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड एप्लीकेशन जो रहती है वो उनको एडजस्ट कर देती है पाई के लिए, जो हम मैनुअल पाई अपडेट में नहीं कर सकते। मतलब जो हम मैनुअली करते हैं उसमें ऐसा एडजस्ट नहीं हो पाता है। अब आप में से कुछ दोस्त ये भी बोलेंगे यार मैंने तो मैनुअल भी किया तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ आपका क्योंकि जो आपने जो इंस्टॉल ऐप जो कर रखे थे वो फुली सपोर्टेड थे पाई के लिए, इसलिए आपका बूट लूप नहीं हुआ। जबकि उन लोगों का हुआ जिनके कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जो सिर्फ ओरियो पे चल सकती थी लेकिन पाई पे नहीं चल सकती थी, ये बूट लूप का मेन कारण था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब मैं आपको सेफ मेथड बताऊंगा जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली मेथड उन यूज़र्स के लिए है जिनका फ़ोन लॉक्ड है और अनरूटेड है। तो पहले आपने अपने फ़ोन का आप बैकअप ले लेना, क्रिएट कर लेना किसी अदर स्टोरेज पे, और ऐसी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना जिससे आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है पाई अपग्रेड में। तो ये मेथड अनरूटेड यूज़र्स के लिए जिनका फ़ोन लॉक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको एक ओजी क्रोम डाउनलोड कर लेना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी आपको, और सीधे आप उसको कर देना अपने इंटरनल मेमोरी या मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद आपको कर देना अपना फ़ोन बंद जैसा मैंने किया है। फिर आपको रिकवरी बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन की और पावर की को दोनों को होल्ड करना है ताकि आप रिकवरी मोड में जा सकें। पहले तो आपको एक मेन्यू नज़र आएगा फास्ट बूट का, तो उसके बाद आपको इसमें वॉल्यूम डाउन की दबानी है ताकि आप रिकवरी मोड सेलेक्ट कर पाओ, और फिर यहाँ से आपको पावर बटन की प्रेस कर देनी है फॉर गो टू रिकवरी मोड। तो जैसे आप देख रहे हैं तो ये रिकवरी मोड में आप बूट होगा, एक वाइट सी स्क्रीन नज़र आएगी आपको। फिर यहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है, इस पर आप क्लिक कर देना है। फिर आपको इंस्टॉल फॉर्म स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक करना है, यानी जहाँ भी आपने कॉपी किया है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करते आना है, और जिस ओजी प्रोम को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको दबाना है ओके का बटन, तो फिर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप करना है थोड़ा वेट, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, और आपको और आपने फ़ोन को अपना पूरा चार्ज करके रखना तब ये मेथड अप्लाई करना है। कम से कम 50% चार्ज होना चाहिए आपका फ़ोन इसके लिए, अपडेट के लिए। और जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही करना है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको बूट लूप हो जाएगा फ़ोन। और साथ में इसमें आपको कर देना है इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी, ताकि आपको फ़ोन बूट लूप ना हो और फाइनली ये बूट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये थोड़ा सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ आपको, तो करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, पर आपको कर देना रिबूट। अब मैं करूँगा थोड़ा इंतज़ार जब तक वो बूट होगा फ़ोन, फिर आपको इसको आराम से चालू होने देना है, और 5 या 10 मिनट तक आपको इसका इंतज़ार करना है जब तक ये बूट नहीं होता है। और अगर यदि आपका फ्रीज होता है स्क्रीन पे, यानी ऐसा ही आपको नज़र आएगा, मतलब इसी पे अटक जाएगा, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है ये तीन बटन जो रहती है आपकी वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और पावर की, ये तीनों बटन को आपको होल्ड कर लेना है अनटिल, मतलब जब तक उसको आपको होल्ड कर रखना जब तक आपका रिकवरी मोड में चला नहीं जाए। तो ये तीनों बटन आप होल्ड कर देनी है जैसा मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। तीनों बटन दबाए रखना, छोड़ना नहीं है आपको। और फ्रिज आ जाएगा फास्ट मोड पे, फिर आपको दबा देनी वॉल्यूम डाउन की ताकि आप रिकवरी मोड सेलेक्ट कर सकें, फिर आपको दबानी पावर बटन की ताकि आपका ये रिकवरी मोड में बूट हो जाए। फिर आपको यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से आपको आना है वाइप डेटा पे, और वेरिफिकेशन कोड आपको मांगेगा, तो आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देना जैसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर आपको कर देना फॉर्मेट डेटा पे क्लिक ताकि आप डेटा उसका फॉर्मेट हो जाए। तो जैसे आप फॉर्मेट डेटा क्लिक करेंगे जे सिस्टम में अपने आप रिबूट हो जाएगा, या फिर अगर नहीं होगा तो आप रिबूट कर देना उस पर।
और फिर आपको रखनी है 5-10 मिनट की शांति, और फिर आपका फ़ोन हो जाएगा बूट कलर OS 6 में विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी ना। बस आपको फिर अपना सेटअप कंप्लीट करना है, कलर से इसको इंजॉय आपको करना है। और अब इसके बाद में जो दूसरी मेथड बताऊंगा वो उन यूज़र्स के लिए जिनका फ़ोन है ऑलरेडी अनलॉक और जिनके पास है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल, यानी मेरी वाली R2X2। फिर आपको बस करना इतना है कि वॉल्यूम डाउन और पावर की आपको दबा देनी है ताकि आप रिकवरी मोड में चले जाएँ। फिर आपको दबानी पावर बटन से उसको बूट कर देना है रिकवरी मोड पर। और अभी मैंने अभी फ़िलहाल में आज में ही मतलब एक रिकवरी अपडेट की है, तो आप उसको अपडेट कर लेना जिन्होंने नहीं किए हैं। और तो R2X2 एक नया वर्ज़न आ चुका है, बस आपको इसमें जाना है पहले वाइप पे। इसके पहले आप अपना पूरा डेटा बैकअप कर लेना, तब इस पर आप इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो एडवांस वाइप पे आपको क्लिक करना है, डालविक सिस्टम वेंडर डेटा कैश, इसको आपको कर देना है फॉर्मेट स्वाइप टू वाइप। और फिर आपको कर देना बैक पे क्लिक, फिर यहाँ से आना है इंस्टॉल पे क्लिक, और यहाँ से आपको करना है इंस्टॉल जिप जो रोम जो आपको दी हुई है, तो आप इसको इंस्टॉल कर देना है और साथ में इस वीडियो कर देना है शेयर। तो ये बोलेगा आपको भाई सब्सक्राइब किया कि नहीं, तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वो वोट नहीं होगा, आगे आप जिम्मेदार हो। फिर आपको कर देना है बैक पे क्लिक ताकि आप बैक पे चले जाएं पीछे सिस्टम में। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रिबूट करना है अपने सिस्टम पे और कलर्स इसको आपको इंजॉय करना है। बस इतना सा था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, सिंपल सी तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करके बताना, और आपकी जितनी भी क्वायरीज रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर दिया करो, पर्सनल मैसेज मत किया करो। जितने भी सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सारे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा अगर मैं अवेलेबल रहा तो, ठीक है। और यह रहा मेरा लिटिल से रिव्यू ऑन कलर OS 6, कैसा है आपने पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ऑप्टिमाइज है, मतलब अच्छे से इसका ऑप्टिमाइजेशन हुआ है ताकि आप इसको अच्छा चला सको, और बहुत लेस ब्लॉटवेयर है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और सेकंड ये है कि इसकी जो बैटरी है ये बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये कलर OS 6 अपडेट होने के बाद जो कलर OS 6 5 है उससे बहुत कम बैटरी ये खा रहा है, मतलब जिससे आपको बैटरी इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और कैमरा इसका कैसा है, कैमरे में भी आपको 3-4 नए फंक्शन देखने को मिले, एक तो नाइट स्केप और सेकंड है क्रोमा बूस्ट, और थर्ड आपको ये मिलेगा GCam का, इसमें आपको सपोर्ट देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप कैमरा देख सकते हैं कैसा प्रीव्यू, उसमें आपको नाइट स्केप देखने को मिल रहा है और क्रोमा बूस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है जो अच्छा कलरफुल कर देता है इमेजेस को। तो या फोटोग्राफी के अगर आप शौकीन हो तो आपके लिए अच्छा अपडेट है। और सेकंड जो है, थर्ड जो है कि जो गेमर है उनके लिए इसमें हाइपर बूस्ट दिया गया है जिससे आप अपने गेम को अच्छे से स्मूथ खेल सकते हो और साथ में उसको अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो गेम स्पेस से। और इसमें यह भी खास है कि जो आप इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो आप फेस कैम के साथ भी कर सकते हो कलर OS 6 अपडेट में। और इसमें रियलमी का जो थीम स्टोर है वो भी दिया गया है ताकि आप थीम इंस्टॉल कर सकें, ये ऑफिशियल है रियलमी की ओर से। तभी फ़िलहाल मैंने तो थीम इसमें इंस्टॉल नहीं करी, लेकिन आप इंस्टॉल इसमें आप कर सकते हो। और नया नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ही अगर आपको नोटिफिकेशन आती है तो उसका एक आइकॉन बन जाएगा स्टेटस बार में ऊपर। तो ये पहले वाले अपडेट से तो अच्छा ही अपडेट है और ये आपको अपडेट करना चाहिए। और एक अपडेट और है, इसमें आपको ऐप ड्रॉअर रहता है, ये भी आपको देखने को इसमें मिल रहा है। और मैगजीन रहता है लॉक स्क्रीन मैगजीन का भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बस इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो और साथ में करो इसको शेयर भी, ठीक है। और आप में से मेरे कुछ दोस्त पूछेंगे कि भाई अब उसमें अपना डेवलपमेंट का कुछ बता दें, तो डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि मैं अभी इस पर रेड ब्लिंकिंग में काम कर रहा हूँ, और उस पर ऐसा है कि अगर मैं कुछ भी मॉडिफाई या कुछ भी कोड लगाता हूँ तो वो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है, मतलब जो सिस्टम UI रहती है पूरी बंद हो जाती है ना, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो उसका तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके कैसे भी हल निकल जाए उस चीज़ का, तो देखते हैं अगर हल निकलता है तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो पोस्ट करूँगा। तब तक आपको इस चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक भी और शेयर भी।
ठीक है, मिलते दोस्तों आपसे बाद में, टेक केयर।